हेलो गाइस, मैं ललित सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है BCAA, बहुत सारे लोग आज की वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे कि BCAA पार्ट सेकंड, कि आज मैं आपको पार्ट सेकंड में क्या बताने वाला हूँ। एज ए ट्रेनर मेरे सामने सबसे ज़्यादा जो सवाल आए वो इसी चीज़ को लेकर आते थे कि सर, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे बिल्ड करूँ, मैं तो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, बॉडी को कैसे बिल्ड करूँ। जितने ट्रेनर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से समझें और कोशिश करें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आज कि BCAA, जैसे मैं पहले पार्ट अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा BCAA जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनको कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग तीन तरह की डाइट्स को फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, तीन तरह की डाइट्स हम लोग फॉलो करते हैं। पहली डाइट है वेजिटेरियन डाइट, दूसरी है नॉनवेज डाइट, और एक तीसरी डाइट है जिसे हम बोलते हैं वीगन डाइट। ये वीगन डाइट बहुत लोगों के लिए अननोन नाम भी है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वीगन डाइट। नॉनवेज जो लोग लेते हैं उनको लगता है उनके लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड उनको पूरा करना बहुत आसान है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। वो कैसे है दोस्तों, जो नॉनवेज है चिकन, खासकर जो ब्रेस्ट एरिया होता है, 100 ग्राम चिकन के अंदर करीब 5.88 ग्राम BCAA होता है। वहीं एक जो एग होता है एक अंडे में 1.64 ग्राम एमिनो एसिड होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक दिन में चार अंडे कंज्यूम करते हैं तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना BCAA आप अंडों से ही अपना ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आता हूँ आप वेजिटेरियन डाइट पे। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन डाइट को भी समझने के लिए बेचैन होंगे। वेजिटेरियन डाइट, इसमें फ़र्क क्या है और वीगन डाइट में? वेजिटेरियन डाइट में जो डाइट लेते हैं वो सिर्फ मिल्क जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते हैं, और वीगन डाइट जो होता है वो सिर्फ प्लांट बेस्ड होती है। पेड़ पौधों से जो भी आपको प्रोटीन, फैट, जो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो आपका वीगन डाइट में आता है। वेजिटेरियन डाइट में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मिल्क अगर आप 235 मिलीलीटर अगर आप मिल्क लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 2.2 ग्राम आपको BCAA से मिल जाता है मिल्क से। अगर आप लेते हैं ग्रीक योगर्ट, अगर आप 140 ग्राम ग्रीक योगर्ट लेते हैं तो इसमें करीब आपको 2 ग्राम आपको BCAA मिल जाता है। अब मैं आपको आता हूँ सबसे ज़्यादा वीगन डाइट पे। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेज या मिल्क प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ कर रहे तो भी आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए चीज़ सेम एप्लीकेबल होगी। वीगन डाइट में सबसे पहले आता है मैं सीड्स में, इसमें मैं दो तीन कैटेगरियाँ आपकी बताऊँगा। सीड्स में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें शामिल करना चाहूँगा सीसेम को। सीसेम फ्रेंड, सीसेम बोलते हैं तिल को। अगर आप एक काले तिल हों तो दोस्तों सोचिए सोने पे सुहागा है। काले तिल में आपका BCAA तो होता ही है, साथ में इसमें आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बहुत सारे इसमें आपके मिनरल्स भी मिलते हैं तिल में। इसके अलावा आपके होते हैं पम्पकिन सीड्स, इसके अलावा आपका सनफ्लावर सीड्स। ये वो सीड्स हैं जिनमें आपका BCAA बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है। इनको अपनी डाइट में आप शामिल करके BCAA अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आता है लेजूम्स। अब दालों में क्या होता है, सबसे पहले सोयाबीन, इसके साथ एक और आता है टोफू, इसके अलावा एक आती है मसूर की दाल आपकी लेंटिल्स, इसके अलावा एक आता है चिकपी यानी कि काबुली चना, इसके अलावा आता है आपका राजमा जिसे हम किडनी बीन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये था दालों के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट कैटेगरी, अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नट्स की। कई लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा नट्स को सुन के। नट्स में सबसे पहले आता है आपका एलमंड्स, बादाम, इसके अलावा कैश्यू, इसके अलावा पीनट। दोस्तों, पीनट के बारे में बताना चाहूँगा, पीनट इनके मुकाबले बहुत सस्ता भी है। कई लोग समझते हैं महंगी डाइट में ही अच्छे प्रोटीन्स और अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं। पीनट में आपका करीब 25 ग्राम आपका प्रोटीन होता है,
यानी कि नॉनवेज से भी ज़्यादा। 100 ग्राम चिकन में भी आपका 25 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग पीनट में 25 ग्राम, आप समझ सकते हैं इनका कंपैरिजन। तो दोस्तों जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, वो भी मेल या फीमेल अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, अगर आप वीगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो भी इसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी अपनी डाइट को फॉलो करने में और अपनी एक्सरसाइज को रूटीन से करने में। दोस्तों आज मैंने आपको बताया BCAA कैसे आपकी बॉडी में क्या क्या सोर्सेज हैं और कैसे आप इसको हर तरह की डाइट को फॉलो करते हैं आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से लोगों तक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय फ्रेंड्स, सी यू, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।